देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एक ओर जहां पूरा देश लॉकडाउन में है, तो वहीं शराब तस्कर इस लॉकडाउन में अवैध शराब कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को ऐसे ही शराब तस्करों पर रीवा और सतना पुलिस ने अपने अपने जिलों में कार्रवाई करते हुए अवैध बिक्री के लिए घरों में स्टॉक की गई शराब की खेप को पकड़ा है। इस कार्रवाई में रीवा की मऊगंज पुलिस ने जहां एक सूने घर से 25 पेटी शराब जब्त की, तो वहीं सतना की कोलगवां पुलिस ने भी एक घर में दबिश देते हुए 4 लाख कीमती 80 पेटी देसी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल रीवा के मऊगंज में की गई कार्रवाई को लेकर बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक ताला बंद सूने मकान में दबिश देते हुए स्टॉक की गई 25 पेटी देसी शराब जब्त की है। हालांकि अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शराब की इस खेप को किसके द्वारा स्टॉक किया गया था। फिलहाल मऊगंज पुलिस शराब स्टॉक करने वाले तस्कर की तलाश शुरू कर दी है। इधर दूसरी कार्रवाई सतना की कोलगवां थाना पुलिस ने की। कार्रवाई को लेकर बताया गया कि कोलगवां थाना पुलिस ने टिकुरिया टोला स्थित एक घर में छापामार कार्रवाई करते हुए 80 पेटी देसी शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा पकड़ी गई खेप की कीमत तकरीबन 4 लाख रुपया की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें समीर खान, मोनू जायसवाल, सोनू दाहिया शामिल है। बताया जा रहा है कि शराब तस्करों ने लॉकडाउन में शराबबंदी के कारण अवैध बिक्री के लिए स्टॉक की थी। फिलहाल पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है।